गोलियों की गूंज अगर पुलिस की हो तो देश से चोर बदमाशों का खात्मा होता है, लेकिन अगर वही गूंज बदमाशों की हो तो मान लीजिए किसी न किसी के घर का चिराग बुझा है। ऐसा ही कुछ राजधानी लखनऊ में हुआ है, जहां बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और फरार हो गए। लखनऊ में ऐसी वारदात होना आम बात हो गई है, जिसके चलते लोग घर से निकलने से पहले सोचने लगे हैं कि कब उनका नंबर लग जाए। आखिर पूरा मामला क्या है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन बदमाशों के आगे बौनी नजर आ रही है। दरअसल लखनऊ सिरेहा हुसैनगंज थाना क्षेत्र के स्थित वृंदावन गेस्ट हाउस के सामने एपिसेन रोड पर, जहां बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने सिरेहा शानवाज नामक युवक को गोली मारकर भाग निकले। युवक को गोली सीने और पेट में लगी। वहीं घायल शानवाज रेलवे का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बताया जा रहा है। इस वारदात के होने की खबर उधर से निकल रहे लोगों ने पुलिस को दी, साथ ही घायल को ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर है, वहीं पुलिस इस वारदात की कार्रवाई में जुटी हुई है। हर बार की तरह पुलिस इस बार भी सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। ये यहाँ पर मिले हैं बहार आलम, जिनका नाम है। इनका ये कहना है कि इनका अपने चचेरे भाइयों से झगड़ा है। तीन चचेरे भाइयों का नाम इनके भाई द्वारा लिया जा रहा है, हालांकि अभी लिखित में तहरीर इनके द्वारा अभी दी नहीं गई है, लिखी जा रही है। फिलहाल जो घायल है उनको ऑपरेशन थिएटर में भर्ती कराया गया है, और जो इनके जो भी विवाद संभावित है, जैसे कि भाई भी बता रहे हैं, चचेरे भाइयों से जो विवाद है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। वहीं जब मामले को लेकर एएसपी से बात करी गई तो उनका कहना है कि घायल शाहनवाज के बड़े भाई का कहना है कि उनके चचेरे भाइयों का जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा है, जिसके कारण ही उन्होंने अपने भाई को गोली मार दी। साथ ही एएसपी कालीनाथ नेथानी ने इस मामले की जांच के लिए क्राइम टीम को भी लगाया है, साथ ही कहा है कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा।